23 जनवरी को यूपी टेट की महत्वपूर्ण परीक्षा है। लाखों परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। हम सभी के मन मस्तिष्क में विचार चल रहा है कि यह परीक्षा होगी कि नहीं होगी। यूपी गवर्नमेंट लगातार इस परीक्षा को कराने पर अड़ी हुई है, तो हो सकता है भाई सरकार का कुछ और विचार हो यहाँ पर। हो सकता है सरकार अपने वैक्सीनेशन को टेस्ट करना चाह रही हो। भाई 16-17 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे, एक बार तो सेंटर से लौटा चुके हैं, अब दूसरी बार इतनी तगड़ी प्रक्रिया है कि जब रोज लाखों केस कोविड के निकल रहे हैं तब ये परीक्षा लेने चल रहे हैं। पीसीएस ने अपनी मुख्य परीक्षा टाल दी, यूपी ट्रिपल एससी ने भी अपनी बहुत सारी परीक्षाएं टाल दी, लेकिन भाई साहब यूपी टेट होगा। यूपी टेट अवश्य संभावी है, लगातार मांग के बाद भी यूपी टेट होगा। तो इसका यही मान लीजिए आप लोग कि हो सकता है कि जो कोविड का इतना वैक्सीनेशन हुआ है उसमें यूपी टेट एक प्रयोगशाला हो और आप सभी लोग क्या हो, प्रयोग करने वाली विषय वस्तु हो, ऑब्जेक्ट्स हो। क्योंकि जब ये परीक्षा होगी तो फिर देखा जाएगा कि भैया सामान्यकृत किया जाएगा तथ्यों को कि कैंडिडेट बढ़े कि नहीं बढ़े। अगर नहीं बढ़े तो प्रदेश सरकार मान लेगी कि हमारा वैक्सीनेशन सफल हो गया, और अगर बढ़ गए तो मान लेगी भाई वैक्सीनेशन में उतना दम नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि यूपी टेट की परीक्षा अब प्रयोग मतलब परीक्षण की तरह है, प्रयोगशाला की तरह है। हो सकता है भाई कि जो है प्रयोग अगर सफल हो जाए तो चुनावी रैलियों में भी चुनाव आयोग में हलफनामा दे दिया जाए कि भाई चुनावी रैलियों की भी अनुमति दे दीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया देखिए हमने 16-17 लाख लोगों को बिठा के यूपी टेट कराया है, आप चुनावी रैलियों की भी अनुमति दे दीजिए। जब 16 लाख लोगों में नहीं फैला तो आगे भी नहीं फैलेगा। इतनी गंभीर समय में जब कोविड इतना तेजी से फैल रहा है, यूपी टेट कराना समझ से परे है, लेकिन गवर्नमेंट अड़ग है इस परीक्षा को कराने के लिए। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग तैयार रहिए 23 जनवरी के लिए। अभी तक परीक्षा टलने के कोई आसान नहीं है। जो भी आपको भ्रामक खबरें मिल रही हैं उन भ्रामक खबरों से बचिए, नकारात्मक माहौल से बचिए। मैं केवल ईश्वर से आपके लिए यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जब आप परीक्षा देने जाएं तब आप खूब अच्छे से जाएं, मास्क लेके जाएं, सारी सामग्री लेके जाएं, हैंड सैनिटाइजर लेके जाएं, क्योंकि भाई हम परीक्षार्थी हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम कठपुतली हैं, जैसे नचाएंगे वैसे हम नचेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको प्रयोगशाला की भट्टी में झोंका जा रहा है 23 जनवरी के लिए, तो कठिन समय में स्वयं आप अपना बेटा बचाव करिए, खूब अच्छे से जाइए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और उस परीक्षा में सफल हों जिस परीक्षा को लेने 23 जनवरी को कमीशन जा रहा है। ठीक है, अभी तक टलने के कोई आसान नहीं है, ये भ्रामक खबरों से लास्ट के दिनों में बचिए, अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए, अपनी ऊर्जा को भी बनाए रखिए और स्वस्थ रहने के प्रति अपनी मानसिक दृढ़ता को भी बनाए रखिए। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें, माँ भगवती जो लोग परीक्षा करा रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दें, आपके लिए व्यवस्थाएं अच्छी हों, स्वयं से सभी व्यवस्थाओं के साथ यूपी टेट देने जाइए। परीक्षा टलने के आसार बेटर ना के बराबर हैं, क्यों हो रही है हमारी समझ से तो परे है। आपको अगर कुछ समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस परीक्षा के बारे में जैसे भी कोई अपडेट होता है हम आपको जरूर सूचित करेंगे। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। परीक्षा देना हमारी मजबूरी है क्योंकि इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं भाई, जब लेंगे तब देंगे, है ना। एक बार लिए थे सेंटर तक पहुंचा दिए थे, वापस कर दिए, दूसरी बार लेने जा रहे हैं तो फिर लेंगे। तो यही विनम्र अनुरोध है अपना कि अपना ख्याल रखते हुए अच्छे से आगे बढ़ते हुए आप परीक्षा को दीजिए। सरकार की मंशा सकारात्मक हो या जैसी भी हो भाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हो सकता है हमारा बहुत ही अच्छा सोच रहे हो, अब कितना अच्छा सोच रहे हैं वो तो हम समझ ही रहे हैं। अब जैसा भी हो, फिलहाल यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होने चल रही है। अभी तक की न्यूज के अनुसार मैं आपको जो ऑथेंटिक समाचार देता हूं, अगर कोई परिवर्तनशील समाचार होता है तो मैं जरूर आपको सूचित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और परीक्षा की तैयारी में लगे रहें।